हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम रिटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसको? मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम स्टेम की एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। स्टेम की एनाटॉमी के अंदर हमने कहा था कि हम डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम के अंदर पाए जाने वाली डाइकोट स्टेम में और मोनोकोट स्टेम में मिलने वाली प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और डाइकोट स्टेम की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर। मोनोकोट स्टेम के अंदर कैसी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर को। डाइकोट स्टेम के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। किन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है? मोनोकोट स्टेम्स के अंदर क्या नहीं है? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती। कौन से स्टेम्स के अंदर? मोनोकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। डाइकोट स्टेम के अंदर हमने बात की थी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस पे हमने पढ़ी थी क्यूटिकल के लिए, एपिडर्मल हेयर्स के बारे में बात की। फिर हमने कोर्टेक्स की बात की। कोर्टेक्स को हमने तीन डिविजन्स के अंदर, तीन सब लेयर्स के अंदर देखा था। कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। फिर हमने वैस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू की बात की थी, जिसके अंदर पेरिसाइकल, मेडुलरी रीज, पित्त को पढ़ा था। वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? डाइकोट स्टेम के, डाइकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, कॉन्सेंट्रिक टाइप के एंड बाइकोलेटरल टाइप्स के होते हैं। इन मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि डाइकोट स्टेम के अंदर क्या था। डाइकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग की फॉर्म में अरेंज थे, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं रिंग के फॉर्म में अरेंज नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कैसा? यदि हम इसका TS देखें तो हम ये देखेंगे कि इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, किसके? मोनोकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड। किन प्लांट्स के अंदर? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कैसे वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं? इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं पेरिफ्री पर तो वैस्कुलर बंडल्स का नंबर ज़्यादा होगा और साइज़ में छोटे होंगे, और सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे कम नंबर में होंगे, लेकिन उनकी साइज़ कैसी होगी? बड़ी होगी। यहाँ पे हम वैस्कुलर बंडल्स को बना लेते हैं। पेरिफेरी पर जाते जाते इन वैस्कुलर बंडल्स की साइज़ कैसी हो जाएगी? साइज़ जो है वो छोटी हो जाएगी और नंबरिंग जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स की नंबरिंग जो है पेरिफेरी पर कैसी होती है? ज़्यादा होती है। सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनका नंबर कम होता है और वो साइज़ में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। जबकि पेरिफेरी पर जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? पेरिफेरी के वैस्कुलर बंडल्स वैस्कुलर बंडल्स को VB से ड्रॉ लिखा है हमने, कैसे हैं? स्मॉल एंड मैनी इन नंबर। एंड सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कैसे हैं? सेंटर के वैस्कुलर बंडल्स हैं लार्ज, नंबर में कैसे होंगे? नंबरिंग इनकी होगी कम। किसकी? सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? सेंटर के वैस्कुलर बंडल्स लार्ज होते हैं, सेंटर, हम सेंटर के वैस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं, कैसे हैं? लार्ज हैं। और नंबर क्या है इनका? नंबर है कम। ये तो ये हुई बात वैस्कुलर बंडल्स की, जो कि हमें किस में देखने को मिलते हैं? डाइकोट स्टेम में। हमें कहा था कि वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? वैस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर, मोनोकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। रिंग की फॉर्म में अरेंज ना होने के मतलब क्या है? ये बिखरे हुए होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर,
किसके अंदर, ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और पेरीफ्री की तरफ इनका नंबर क्या होता है, पेरीफ्री पर वेस्कुलर बंडल्स छोटे होते हैं और उनका नंबर ज़्यादा होता है, जबकि सेंटर के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, सेंटर के वेस्कुलर बंडल्स की साइज़ तो बड़ी होगी लेकिन उनका नंबर कम होगा। अब हम स्टेम की, मोनोकोट स्टेम के टीएस की बात करते हैं, किसकी, मोनोकोट स्टेम के टीएस की बात करते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ होगी एपिडर्मिस, इसी के अंदर हम ड्रॉ कर लें। सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, सबसे बाहर है ये ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं, क्या है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डायग्राम में देखो, एपिडर्मिस के ऊपर ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की गई है। ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये है क्यूटिकल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी क्यूटिकल के लिए, और इनसे कुछ एपिडर्मल हेयर्स ट्राइकोम्स निकले हुए होंगे। ये क्या बना रही हैं हम, ब्लैक से बना रहे हैं क्यूटिकल। क्या करती है क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रेजेंट कहाँ होती है, स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है। कैसी, सिंगल लेयर होती है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने एपिडर्मिस को ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हमने क्यूटिकल की लेयर को ड्रॉ किया है। ये तो बात हुई एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। मोनो डाइकोट स्टेम के अंदर कोर्टेक्स जो था थ्री लेयर्स में डिफरेंशिएट होता था। कौन कौन से तीन लेयर, हाइपोडर्मिस और जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। मोनोकोट स्टेम का कोर्टेक्स जो होगा, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है ब्लू कलर से जो हमने ड्रॉ किया है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो होता है कैसा होता है, कोर्टेक्स तीन लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता डाइकोट की तरह। कैसे, मोनोकोट स्टेम के अंदर कोर्टेक्स थ्री लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं होता, जैसे कि डाइकोट प्लांट में हमें देखने को मिलता है। मोनोकोट के अंदर कोर्टेक्स जो होता है एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, एक लेयर इन द सेंस कि उसमें हाइपोडर्मिस में डिफरेंशिएट किया था, फिर जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। यहाँ पे कोर्टेक्स केवल कोर्टेक्स होगा, उसे हम सब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सब लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और ये कोर्टेक्स सेल्स जो होती है किसकी बनी हुई होती है, कोर्टेक्स जो है स्क्लेरेनकाइमेटर सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी सेल से, स्क्लेरेनकाइमेटर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। मोनो डाइकोट में क्या था, कोलेनकाइमेटर सेल से मिलकर बनी हुई थी स्क्लेरेनकाइमेटर सेल्स। मोनोकोट्स के लिए हमने कहा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, डाइकोट के अंदर उसने कोलन कोर्टेक्स से हाइपोडर्मिस से प्रोटेक्शन मिल रही थी, क्यूटिकल से प्रोटेक्शन मिल रही थी। फिर हमने वैस्कुलर बंडल्स के अंदर बात की, तो वैस्कुलर बंडल में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के बारे में देखा, जो भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, तो इनको प्रोटेक्शन कहाँ करनी पड़ेगी, इनिशियल स्टेज पे ही इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को। एपिडर्मिस के ऊपर इन्होंने क्यूटिकल की लेयर बना ली जो इसे प्रोटेक्ट करेगी। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट है, कोर्टेक्स की लेयर प्रेजेंट है। कोर्टेक्स की लेयर कौन सी सेल से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। स्क्लेरेनकाइमेटर सेल्स जो होती है डेड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटर सेल्स, डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स हैं, क्या काम करेगी ये, इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगी। किनको, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, कोर्टेक्स की लेयर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये तो बात हुई कोर्टेक्स की। बात करते हैं हम ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू जो होता है मोनोकोट स्टेम का, ग्राउंड टिश्यू डाइकोट की तरह मेडुलरी रीज पिथ पेरिसाइकल में डिफरेंशिएट नहीं होता। इनके अंदर सिंपल ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा। कोर्टेक्स के नीचे की तरफ जो कोई भी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, कोर्टेक्स के नीचे की तरफ, ये कोर्टेक्स कौन सी लेयर है, कोर्टेक्स को हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस। क्या है, कोर्टेक्स की हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जो भी लेयर्स प्रेजेंट होगी,
हाइपोडर्मिस। इस डायग्राम में बनाए हम तो हाइपोडर्मिस कहाँ होगी, ये रही एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या होगी, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होगी हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टेक्स जिसे हम कह रहे हैं। डाइकोट प्लांट्स की तरह इसके अंदर कॉर्टेक्स जो होती है किस में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, उसमें हमने डाइकोट प्लांट्स के अंदर हमने देखा था तीन लेयर्स में डिफ्रेंशिएट थी कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड फिर एंडोडर्मिस। यहाँ पे कॉर्टेक्स को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की मिली बनकर बनी हुई होती है, क्या काम कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, मोनोकोट स्टेम को। वैस्क्यूलर बंडल्स कैसे होते हैं, वैस्क्यूलर बंडल्स इसके मोनोकोट स्टेम के वैस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं हमने अभी कहा कैसे स्कैटर्ड होते हैं। इस डायग्राम में देखो वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, स्कैटर्ड हैं, रिंग के फॉर्म में इनका अरेंजमेंट नहीं है। सेंटर के वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे साइज में बड़े होते हैं। पेरिफ्री पर प्रेजेंट वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और क्या, वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं, कैसे, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। किसके वैस्कुलर बंडल्स, मोनोकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड कहने का मतलब क्या है, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जाइलम, ये हम जाइलम बना लें ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से ड्रॉ कर दें फ्लोएम को, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम जो है कैसा प्रेजेंट है, सेम रेडियस पर प्रेजेंट है। क्लोज क्यों कहा, क्लोज इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इस टाइप के वैस्कुलर बंडल्स को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। किन के अंदर, मोनोकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो हैं कैसे हैं, कॉन्जॉइंट है एंड क्लोज्ड है। जाइलम कैसा होता है, जाइलम एंडार्च टाइप का जाइलम होता है। एंडार्च टाइप जाइलम कहने का मतलब क्या हुआ, एंडार्च टाइप जाइलम कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर प्रोटोजाइलम जो होगा कहाँ, किस तरफ प्रेजेंट होगा, इनसाइड प्रेजेंट होगा। डायग्राम में देखो ये हमने ब्लू कलर से क्या ड्रॉ किया है, ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है ये जो दो बड़े बड़े सर्कल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है जाइलम। कौन सा जाइलम, मेटाजाइलम। कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने एक और ब्लू कलर से सर्कल ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये है प्रोटोजाइलम। कौन सा, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम जो होता है कहाँ प्रेजेंट है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और प्रोटोजाइलम जो होगा सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा, इनसाइड प्रेजेंट होगा। इस टाइप के जाइलम को हम कहते हैं एंडार्च टाइप का जाइलम। किसे, इस टाइप के जाइलम को हम कह रहे हैं एंडार्च टाइप का जाइलम। जाइलम के ऊपर हमने ये क्या बनाया है, ब्लू कलर से ही हमने बनाया है फ्लोएम की सेल्स। यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटी फ्लोएम्स की सेल्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है फ्लोएम, ये क्या है, ये है फ्लोएम। फ्लोएम के चारों तरफ और इन वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ हमें एक ब्लैक कलर से लेयर बनाई है, ये ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की लेयर क्या है, ये ब्लैक कलर की लेयर जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है, किसकी, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की मिलकर बनी हुई बंडल शीट है। क्या, ये जो ब्लैक कलर की हमें लेयर दिखाई दे रही है जाइलम फ्लोएम के अराउंड, ये क्या है, ये है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बनी हुई बंडल शीट्स। इस डायग्राम में देखो हमने यहाँ पे बनाया क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई बंडल शीट। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कहने का मतलब ये हुआ, सेल्स कैसी होगी, डेड सेल्स होती है। वैस्कुलर बंडल्स को सेकेंडरी ग्रोथ का काम तो करना है नहीं, इसलिए इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बंडल शीट्स प्रेजेंट होती है।
ये तो बात, ये किसकी बात की हमने, मोनोकोट स्टेम की बात की। क्या कहा हमने, हमने मोनोकोट स्टेम के इस डायग्राम में देखना, समझना फिर से हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ब्लैक कलर से हमने एपिडर्मिस बनाई है। एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर ब्लू कलर से हमने क्यूटिकल की लेयर बनाई है। स्टेम के अंदर क्या होता है, क्यूटिकल की ये लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल हेयर्स बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, ब्लैक कलर से हमने ये बनाए हैं एपिडर्मल हेयर्स। स्टेम में ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो हमने बनाया कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस, किसको, हाइपोडर्मिस को बनाया। हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम की जरह हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में और एंडोडर्मिस में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, केवल ये हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। वहाँ पे हमने कॉर्टेक्स को तीन लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया था, यहाँ पे केवल सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स डेड सेल्स होती हैं, क्या काम कर रही है, ये कर रही है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम। किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। बीच में ये जो भी हमें सेल्स दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर की, ये क्या है, ये है ग्राउंड टिश्यू। क्या है, ग्राउंड टिश्यू। मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू जो होता है पेरिसाइकिल पिथ मेडुलरी रेस में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। किसमें, पेरिसाइकिल पिथ एंड मेडुलरी रेस के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होता। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ जो कोई भी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ दो, तो ये सारा पार्ट क्या है, ये है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमेटर सेल्स का बना हुआ होता है। इनके बीच, इनके, इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमेटर सेल्स हाइपोडर्मिस को देखो, कहीं पे भी हमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन इन पेरेन्काइमेटर सेल्स के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरसेलुलर स्पेस। वैस्कुलर बंडल्स पे चले, वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए हमने इनको क्लोज्ड टाइप कहा। कैसे वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। जाइलम कैसा होता है, एंडार्च टाइप का जाइलम होता है। एंडार्च टाइप जाइलम कहने का मतलब क्या है, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम जो होगा पेरिफेरी की तरफ आउटर सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम जो होगा इनसाइड प्रेजेंट होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। ये मेटाजाइलम क्या है, लेटर फॉर्म जाइलम को हम मेटाजाइलम कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म जाइलम को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। आई होप आप एंडार्जाइलम को समझे होंगे कि एंडार्जाइलम के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो एंड प्रोटोजाइलम इनसाइड प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के जाइलम को हम कह देते हैं एंडार्ज टाइप का जाइलम। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, मोनोकोट के वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से घिरे हुए होते हैं। क्या है ये, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट है, यहाँ पे हमने बनाई क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट होती है। किसको घेर के रखती है, वैस्कुलर बंडल्स को। वैस्कुलर बंडल्स को यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ फंक्शन नहीं करना, इसलिए इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, डेड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। यहाँ पे हमारा मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने देखा क्या है, इसके अंदर हमने मोनोकोट स्टेम की टीएस की बात की, जिसमें हमने सबसे ऊपर देखा क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, फिर हमने एपिडर्मिस की बात की, सिंगल लेयर होती है, और फिर हमने बात की हाइपोडर्मिस की, जिसकी हाइपोडर्मिस की, इसके अंदर कॉर्टेक्स जो होती है तीन लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस ऐसे तीन लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं होती जैसे कि डाइकोट में हुआ करता था, यहाँ पे केवल हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। स्क्लेरेन्काइमा की क्यों बनी है, ना तो इनको करना है सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो प्लांट को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। डेड सेल्स होती है और क्या काम कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर हमने ग्राउंड टिश्यू की बात की, हाइपोडर्मिस के नीचे जो भी पार्ट हमें दिख रहा है वैस्कुलर बंडल्स के अलावा क्या है, ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एनक्लोज होते हैं और इनके चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट होती है। इनको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है, इसलिए इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट। एंडार्च टाइप का जाइलम देखने को मिलता है, कैसा, एंडार्च टाइप का जाइलम देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ आउटर साइड
प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ इनर साइड प्रेजेंट होता है। इनके अंदर पिथ, मेडुलरी रीज, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स नहीं होती, एब्सेंट होती है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।